आगरा के होम स्टे में हैवानियत हुई है। होम स्टे की महिला कर्मी को जबरन शराब पिलाई गई। होम स्टे के कर्मचारी और उसके चार साथियों ने यह हैवानियत की। महिला कर्मी को कमरे में बंधक बनाकर गैंगरेप का आरोप है। पुलिस ने एक महिला समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पूछताछ के बाद होम स्टे को बंद करवाया। आगरा के ताजगंज थाना स्थित रिच होम स्टे का ये मामला है। आगरा के रिच होम स्टे की में एक महिला कर्मी के साथ यह हैवानियत हुई है। आरोप है कि महिला के साथ होम स्टे में ही काम करने वाले जितेंद्र राठौर नाम के एक शख्स ने अपने चार साथियों के साथ महिला को एक कमरे में बंद कर पहले उसे जबरदस्ती शराब पिलाई और फिर गैंगरेप किया। विरोध करने पर महिला के साथ बहुत मारपीट की गई है। महिला ने शोर मचाया तो आसपास के लोग बड़ी संख्या में वहां पर मौके पर जुट गए, लेकिन महिला को बचाने के बजाय लोग उसका वीडियो बनाने लगे। वहीं खबर मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, उसको रेस्क्यू किया गया और मौके से शराब के नशे में धुत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। महिला कर्मचारी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस इस मामले में अब तक एक महिला समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं पूछताछ के बाद होम स्टे को बंद करवा दिया गया है। घटना शनिवार देर रात की है। पुलिस ने महिला के परिजनों को भी इस बात की खबर दे दी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोग वीडियोस बना रहे हैं लेकिन बचाने की कोशिश नहीं की जा रही। वो लड़की गुहार लगा रही है कि मुझे बचा लो, मेरा सिर फटा हुआ है, और बार बार वो गुहार लगा रही कि उसे बचा लिया जाए। ये लोग उसके साथ दरिंदगी कर रहे हैं, ये लोग उसके साथ बेरहमी से पेश आ रहे हैं, उसे मारपीट रहे हैं, लेकिन वहाँ खड़े लोग उसको बचाने के बजाय उसका वीडियो बना रहे हैं। हालांकि इसकी खबर मिलने के बाद तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची और इस महिला को वहां से रेस्क्यू किया गया। गंभीर हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया और जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ललिता सोनू बिक्रम इन सबको बंद करा रही है, जबरदस्ती धंधा करवा रहे हैं, मेरी वीडियो बना के मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, इस साल से मेरा पैसा भी खाया इन्होंने, पास मेरा मेडिकल करा लो। ये बिल्कुल जो सोसाइटी की बात। थाना ताजगंज पुलिस को सूचना मिली थी कि बसई चौकी क्षेत्र के रिच होम स्टे में एक महिला के साथ दुष्कर्म व मारपीट की घटना हुई है। उक्त घटना का संज्ञान लेते हुए पीड़िता की तहरीर के आधार पर दुष्कर्म, मारपीट व अन्य सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। घटना में शामिल पांच अभियुक्त जिसमें चार पुरुष व एक महिला है को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।